हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है। आज मैं जा रही हूँ गुवाहाटी लेओवर पे एंड यू वोंट बिलीव, कुछ दिनों से मेरा पैटर्न इतना ज़्यादा, मेरा स्केड्यूल जो है इतना हेक्टिक चल रहा है क्योंकि मेरे पीएल्स आने वाले हैं। पीएल्स के पहले, मतलब दो दिन के बाद मेरे पीएल्स स्टार्ट होने वाले हैं, बट इन पीएल से पहले इतना ज़्यादा, कल ही मैं 4 सेक्टर करके आई हूँ, अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग थी, इतना ज़्यादा थक गई थी। आज फिर से मैं जा रही हूँ 3 सेक्टर, 3 बड़े सेक्टर विथ होल्ट ऑपरेट करने के लिए। आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो। आज फिर से मैं R1 हूँ। R1 की जो एलोकेशन होती है वो होती है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे फ़ोन निकालने का टाइम मिलेगा, बट आई ट्राई टू शूट एज मच एज पॉसिबल, सो स्टे ट्यून। अभी तो मैं सो के उठी हूँ, अभी मुझे लेओवर के लिए बैग भी पैक करना है। कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी पैकिंग नहीं कर पाई थी। सो या देन आई गॉट रेडी एंड आजकल मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ बिकॉज नाउ आई एम यूज टू ऑफ इट। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स माई कैब। माई कैब वॉज ऑल्सो वेटिंग एंड 2 पीपल वर्क क्लब टूगेदर टूडे। एंड आज मैं 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम से कैब में बैठ गई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एंड दीज डेज आई एम गेटिंग लिटिल एक्ने बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट वाटर चेंज। अभी ही 2 दिन पहले कोई दूसरे लेओवर से आई, फिर आज फिर से लेओवर पर जा रही हूँ। सो बिकॉज ऑफ दिस वाटर चेंजेस आई एम गेटिंग लिटिल एक्ने एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो। फर्स्ट सेक्टर अच्छे से टुक ऑफ हो गया ऑन टाइम, देन सर्विस हो गया। उसके बाद आई वेंट इन द लैब टू चेक माई ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के नाम पर मैं अपने बाल ही चेक करती हूँ बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ बेबी हेयर्स एंड आई वॉन्ट टू सेट देम एवरी टाइम, सो दैट्स वाई I always check my hairs before, after service and before boarding also, after deplaning also. अब हम land कर गए थे गुवाहाटी में। गुवाहाटी का weather was very bad, means it was raining a lot, because of that we were facing lot of turbulence. तो ये हमारा 2nd sector का था। boarding start होने से पहले I was taking some videos and उसके बाद last sector was very short sector, तो हम फटाक से land कर गए थे and हमने वहाँ पर momos order कर दिए थे पहले ही। so I was talking with that momo गाय एंड हमारे मोमो भी डिलीवर हो गए। आई टुक वेज मोमो। वैसे तो आई लव चिकन मोमोज, बिकॉज ऑफ नवरात्रि आई टुक वेज ऑप्शन एंड देन वी रीच होटल। हाई गाइज, आई जस्ट रीच एंड चेंज माई यूनिफॉर्म विथ दिस मेकअप ओनली। आई एम गोइंग फॉर अ शॉपिंग बिकॉज सामने में ही, होटल के सामने में ही मुझे वेस्ट साइड दिख गया एंड you know I'm going home, so for that I have to shop lot of things, so because of that I'm going with my makeup on और let's go and see मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बिकॉज मुंबई में मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे एरिया के आसपास जितने भी मॉल्स थे, आई वॉज अनएबल टू फाइंड एनी गुड यू नो क्लोथ्स और फुटवेयर्स, एनी थिंग। आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट, सो मे बी हेयर I could find something better for myself. You know, I'm so tired, so exhausted. But then also shopping is my first priority more than my sleep. So yes, let's go. So guys, see. I did this makeup at 4 o'clock early morning, and this is my makeup at 7 o'clock in the evening. एंड आई डिड लॉट ऑफ शॉपिंग। उसके बाद से फिर से मेरी लीड को खाना था मोमोज, सो आई टुक मोमोज फॉर हर। एंड नेक्स्ट डे का मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। आई लैंडेड एंड दिस वॉज द सीन एट माई बेस, दे वर सेलिब्रेटिंग नवरात्रि। यू नो, हाई गाइज, आई जस्ट रीच होम। इतना ज़्यादा फ्लाइट आज का हेक्टिक हो गया था कि आई डिडंट गेट टाइम टू शूट इवन सिंगल थिंग। बट यू नो, जब मैं इधर पहुँची तो पीपल दे आर इन्जॉइंग अ लॉट। अभी भी इफ़ यू कुड हियर, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे तो पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। एंड मेरी बिल्डिंग में भी पीपल दे आर इन्जॉइंग अ लॉट। आई डोंट नो प्रॉपर मुंबई में हो रहा है कि नहीं, बट मीरा रोड, आई स्टे इन मीरा रोड, मीरा रोड इज़ लिटिल यू नो बिहाइंड
behind Mumbai. So when you will stay there now, literally people they used to enjoy like anything. मतलब every single day of Navratri they are celebrating. मतलब जब गणपति भी चल रहा था ना तो भी same scene था. And यहाँ पे you know they are just following the dress code every day. Like पहले दिन yellow होता है, second and third day तो second day तो I was not there. Today we are supposed to wear, मतलब as per Navratri का culture, people they are supposed to wear grey color and every single person they are wearing grey color and they are having garba. It's so nice and I feel like oh my god. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं change करके जाऊँ कि नहीं जाऊँ, because you know, one second. I'm so tired and tomorrow I have a flight. I'm going home finally after so long in Navratri. You know, it's been more than 3 years. I have never been there in Navratri. So this time I planned बहुत सारे ये करने के बाद finally I managed to go over there and tomorrow I have a flight and I have to do a lot of packing, cleaning, so many stuff is there and I'm so tired. I don't know what to do or not to do. And मेरा बहुत मन कर रहा है गरबा देखने का भी. So let's see if I get time. And it's already 11:30. 12 बजे close हो जाता है. So let me see if I could manage. अभी से ही song थोड़ा सा low होने लगा. Let's see क्या होता है. Otherwise I'll show you tomorrow if I get time. So that's all for today's video guys. Thank you so much for watching. After that I did a lot of packing, cleaning and I slept because I was very tired. This is the clip of second day where I was going to my hometown. That's all for today's video. Thank you.